पिछले पाठ में हमने सीखा कि द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति में किन-किन कारणों से उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हम चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। चतुर्थी विभक्ति किन-किन कारणों से आती है? पहला है कुप धातु, क्रुध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु, रुच धातु, नी प्लस विद धातु। इनके रूप इस प्रकार चलेंगे। कुप धातु का बन जाएगा कुप्यति, कुप्यति का अर्थ होता है नाराज होता है। क्रुध धातु का रूप बन जाएगा क्रुध्यति। अर्थ हो जाएगा क्रोध करता है, क्रोध करता है। ध्रुव धातु का रूप बन जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में ध्रुवीयति। ध्रुवति का अर्थ होता है द्रोह करता है। ईर्ष्य धातु का रूप बनेगा ईर्ष्यति। अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करता है। असूय धातु का रूप बनेगा असूयति। इसका भी अर्थ होता है ईर्ष्या करता है या जलन रखता है। रुच धातु का अर्थ होता है रूप बनेगा रोचते। अर्थ हो जाएगा अच्छा लगता है। नी प्लस विद रूप बनेगा निवेदयति। अर्थ हो जाएगा निवेदन करता है। इस प्रकार एक बार और मैं रिवाइज कराता हूं। कुप धातु का रूप बनता है कुप्यति, अर्थ होता है नाराज होता है। क्रुध धातु का रूप बनता है क्रुध्यति, अर्थ होता है क्रोध करता है। ध्रुव धातु का रूप होता है ध्रुवीयति, अर्थ होता है द्रोह करता है। ईर्ष्य धातु का रूप बनता है ईर्ष्यति, अर्थ होता है ईर्ष्या करता है। असूय धातु का रूप बनता है असूयति, अर्थ होता है ईर्ष्या करता है या जलन रखता है। रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, रूप बनता है रोचते, अच्छा लगता है। नी प्लस विद रूप बनता है निवेदयति, अर्थ होता है निवेदन करता है। अब हम इन धातुओं का वाक्यों में प्रयोग करके सीखते हैं। पहली धातु है कुप, रूप बना था कुप्यति। वाक्य बनेगा पिता पुत्र पर क्रोध करता है, क्रोध करता है अथवा नाराज होता है।
इसमें हम दोनों धातुओं का प्रयोग करेंगे, कुप का भी और क्रुद्ध का भी। यहाँ पर पिता पुत्र पर चिन्ह सप्तमी विभक्ति का होता है, तो यहाँ पर आनी चाहिए थी सप्तमी विभक्ति, किंतु कुप और क्रुद्ध धातु के कारण यहाँ आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। तो वाक्य बन जाएगा पिता, चतुर्थी में पुत्र शब्द का बनेगा पुत्राय कुप्यति अथवा क्रुध्यति। अगर हम यहां पर कुप या क्रुद्ध धातु का प्रयोग नहीं करते, इस वाक्य को साधारण नियमों के अनुसार अगर हम बनाना चाहें, तो बन जाएगा पिता पुत्रे क्रोधम करोति। क्योंकि यहां कुप और क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया, इसलिए चतुर्थी विभक्ति आई। अगली धातु है द्रुह, द्रुह के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। वाक्य है पाकिस्तान भारत से द्रोह करता है। इस वाक्य में भी भारत से चिन्ह, मैंने आपको पहले बताया था कि से चिन्ह पंचमी और तृतीया विभक्ति में आता है, किंतु यहां पर हम क्योंकि द्रुह धातु का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। वाक्य बन जाएगा पाकिस्तानम भारत शब्द का चतुर्थी में बनेगा भारताय द्रुहयति। उसी प्रकार अब हम ईर्ष धातु का प्रयोग करेंगे। वाक्य है योग्यः अयोग्यः छात्र योग्य छात्र से योग्य छात्र से ईर्ष्या करता है। वाक्य बनेगा अयोग्यः छात्रः योग्याय छात्राय। क्योंकि ईर्ष धातु का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं, ईर्ष धातु के कारण से यहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। योग्याय छात्राय ईर्षति। यहां मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, जैसे यहां पर अयोग्य छात्र आया, वहां पर योग्याय छात्र आया, ये क्यों आया? क्योंकि मैंने पिछले कक्षाओं में ही बताया था कि चाहे सर्वनाम विशेषण हो, चाहे कोई विशेषण साधारण विशेषण हो, विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। क्योंकि ये अयोग्य शब्द छात्र के लिए प्रयुक्त है और यहाँ योग्य शब्द भी छात्र के लिए प्रयुक्त है, किंतु अयोग्य में प्रथमा विभक्ति है और योग्य छात्र में क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसलिए दोनों में ही चतुर्थी विभक्ति का रूप आया। अयोग्यः छात्रः योग्याय छात्राय ईर्ष्यति। असूयति का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, असूयति। चाहे तो हम ईर्ष्यति
धातु का प्रयोग कर लें या असूयति, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। अब अगली धातु आई रुच धातु। रुच माने होता है अच्छा लगना। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब यहां जिसको भी जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। यहां पर लड्डू तो है कर्ता और अच्छा लगना किसको है? बालक को। इसलिए बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, रूप बन जाएगा चतुर्थी में बालक का बालकाय, बालकाय। अगर हम यहां पर एक लड्डू होता तो मोदकम, क्योंकि लड्डू बहुत सारे लड्डू हैं इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मोदकम मोदके मोदकानी और रोचन्ते। कर्ता यहां पर मोदक है और बहुवचन का है इसलिए रोचते रोचेते रोचन्ते, बहुवचन में रूप बनता है रोचन्ते। अगली धातु है नी प्लस विद। नी प्लस विद का अर्थ होता है निवेदन करना। छात्र अध्यापक से निवेदन करता है। निवेदन करता है सेशन मैंने पहले भी बताया तृतीया और पंचमी में आता है, किंतु यहां जब हम नी प्लस विद धातु का प्रयोग करेंगे तो जिससे निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। वाक्य बन जाएगा छात्रः अध्यापकाय निवेदयति। इस प्रकार आज हमने सीखा कि चतुर्थी विभक्ति में किन कारणों से हम विभक्ति का परिवर्तन कर देते हैं। उनमें ये कुछ धातुएं थी, कुप क्रोध द्रोह ईर्ष असूय और रुच। कुछ ऐसे अव्यय भी हैं जिनके कारण से चतुर्थी विभक्ति आ जाती है, उसको हम अगली क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।